दिल्ली में बादली इलाके के सीरसपुर गांव में एक ऐसा युवक भी है जिसने घायल आवारा पशुओं के इलाज कराने हेतु अपने घर को ही हॉस्पिटल बना डाला और इस हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड के साथ साथ 28 रूम भी इस मन्नू गांव सेवक ने बनाए हैं। यहां घायल गोवंश, जंगली नीलगाय, आवारा डॉग्स व पक्षियों का भी होता है निःशुल्क इलाज। इंसानों से प्यार करना तो साधारण बात है, किसी जानवर से इस कदर प्यार की एक व्यक्ति ने अपने घर को ही पशु अस्पताल में तब्दील कर दिया। बाहरी दिल्ली के सिरसपुर गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम मन्नू गांव सेवक है, सड़कों पर घूमते घायल आवारा पशुओं को देखकर प्रेरित हुए और उन्होंने ठान लिया आवारा घायल पशुओं की सेवा करने की और अपने घर को बना डाला निःशुल्क इलाज के लिए पशु चिकित्सालय। यहां ज्यादातर सड़कों पर घूमती आवारा गोवंश है। आज मन्नू की पशु चिकित्सालय में 25 आवारा गोवंश, 13 डॉग्स कुत्ते, 15 घायल पक्षी, 2 खरगोश और 1 जंगली नील गाय भी है। मन्नू गोसेवक ने इन घायल पशुओं को सड़क व जंगल से लाने के लिए एक निजी एम्बुलेंस भी बना रखी है। वही बीमार व घायल पशु पक्षियों के इलाज के लिए एक फ्री मेडिकल स्टोर भी घर में ही बना रखा है जिसमें पशुओं के इलाज के लिए तमाम दवाइयां उपलब्ध हैं जिससे पशुओं का इलाज किया जाता है। आपको बता दें, मन्नू गौ सेवक घायल पशुओं पक्षियों के इलाज के लिए अपने खर्च पर हर रोज निजी डॉक्टर भी बुलाते हैं क्योंकि मन्नू गौ सेवक खुद कोई डॉक्टर नहीं बल्कि वह एक मोबाइल स्पेयर पार्ट व रिपेयरिंग का काम करता है। इनके लिबासपुर में 2 मोबाइल रिपेयर करने की दुकानें हैं। इनकी जो इनकम मोबाइल रिपेयरिंग करने से होती है उस इनकम से आधा खर्च ही निस्वार्थ इन घायल पशुओं व पक्षियों के इलाज में लगा देते हैं। अगर महीने में टोटल पशु पक्षियों के इलाज की व चिकित्सालय में खर्च की बात करें तो 25 से 30 हजार रुपए महीने खर्च हो जाता है। ये तमाम खर्च मन्नू गौ सेवक खुद मेहनत करके कमाते हैं और खर्च करते हैं। फिलहाल मन्नू गौ सेवा की इस सेवा से ग्रामीण काफी खुश हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मन्नू पिछले 4 साल से निस्वार्थ बेजुबान जीव जंतुओं की सेवा कर रहा है। मन्नू को बचपन से ही बेजुबान पशु पक्षियों से प्यार है जिसके चलते उन्होंने अपने घर में ही पशु अस्पताल चिकित्सालय बनाया और सड़कों का जंगलों में रहने वाले पक्षी घायल होते हैं तो उनका इलाज यही किया जाता है। मन्नू भाई, कौन कौन से पशु पक्षी अपने पास हैं, कब से आप सेवा कर रहे हैं इस बारे में बताएं। अभी तो अपने पास फिर गाय हैं 20-25 के आसपास जिसमें कि बैल बछड़े गाय सब मिक्स हैं और 2 खरगोश है, नील गाय हैं, 13-20 के आसपास कबूतर है, 13 डॉग्स हैं और अपने पास एक ही है कि हम सिर्फ बीमार को लेके आते हैं और ठीक होने के बाद उससे को देखा जाता कि उसका मन लगा है या एक एनिमल जो लवर होता है जो जीवों से प्यार करता है वो उनसे बात करता है। हम उनसे देखते हैं उनकी हरकतों से कि उसको यहाँ पर उसका मन लग रहा है नहीं लग रहा है। अगर उसका मन लगता है वो चारा खाता तो हम या तो उसको रखते या फिर उसको अच्छी गौशाला में शिफ्ट करते हैं। लेकिन कुछ गायें ऐसी होती है जो चारा ना खाती है, उनको आदत हो जाती है घूमने की, उनको भी इंसानों की तरह प्यार होता है और वो अपने मालिक को छोड़ना पसंद नहीं करते, वो मर जाती है। इसलिए तो मजबूरी हमारी तो होती है उनको छोड़ने की। बाकी जितनी कोशिश होती है कि हम उनको अपने पास रखते हैं और जब तक ठीक ना हो उसको हम रोड पे नहीं छोड़ते ना कहीं गौशाला जाने देते हैं। इसमें तो काफ़ी खर्च भी होता होगा, वो कैसे आप वहन करते हैं? खर्च का ऐसा है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो पब्लिक का सपोर्ट होता है और हमारे साथ तो भाई शुरू से ऐसा कि सभी भाइयों का साथ रहा है। कुछ ना कुछ एक ना एक भाई मिल ही जाता है और अपना खुद का भी काम है। मेरी मोबाइल स्पेयर पार्ट की दुकान है, दो गाजियाबाद से लाए थे। हाँ, ये और बाकी फिर तो वही है। ये साइड में भी एम्बुलेंस और इसकी आप तो सुविधा बताते हैं। इस एम्बुलेंस में साथ डाल दो, नीचे से डाल दो, वहीं अप्रोच नहीं आएगी। चारों तरफ है ना मैट साइड है, अच्छा 1 इंची मैट है चारों तरफ। और सबसे बड़ी बात, सुबह के टाइम पे निकलने से पहले ये धोते इसको, साफ हो जाए। बैक्टीरिया जो इसका है ना वो डेली एक बार सुबह साफ होता है क्योंकि कोई गाय एक्सीडेंटल है, कोई पागल हो गया, कोई कहता हो एक गाय का बैक्टीरिया दूसरी गाय में ना जाए। तो बहुत अच्छा वो भी है इसमें सफाई। एक हमने एक फर्स्ट एड किट बनाई है, ये बस आप हमारे को कॉल करो, फ्री दवाई देंगे आपको। और इसमें जितने गाय को लगने की होगी, जैसे गाय को जख्म है तो हम आपको बीटाडीन दे देंगे, पाउडर दे देंगे, फ्री दवाई, फ्री एम्बुलेंस हमारे आसपास के एरिया में। ठीक है, ठीक है, पूरे दिल्ली में नहीं कर पाएंगे। शुरू किया आसपास? हाँ जी, हाँ जी।
इसमें 5000 के आसपास की दवाई भी। ये दान पत्र बनाया, इसका ये फायदा है, जैसे हम आपके पास गए बोलो भैया हम पर्ची कटवाना चाहते हैं, तो पर्ची नहीं है हमारे पास, ना कोई गुल्लक है ना कोई पर्ची है, आप इसमें डाल दो और इसमें एक महीने के एक तारीख को, पहले महीने की जो एक तारीख होगी, सभी पैसा निकाला जाएगा। उस पैसे से जो रोड पे बेचारा है घूम रही है उनको एक दिन तुम पन्नी खाने से बचा सकते हैं। हाँ बहुत अच्छा है ना, उस पैसे का हम उसका फिर यूज होगा चारे में, और वो भी आवारा गाय के लिए। बता दिन के बारे में। ये जो छोटे बच्चे होते हैं आज के टाइम पर लोग दूध नहीं पिलाते बच्चों को, तो उन्होंने कमजोरी आ जाती है, उसके लिए सबसे बेस्ट है दवाई। और जैसे लोरेक्सिन क्रीम है, कहीं पर गाय को हल्की चोट होती है, अगर आज के टाइम पे बरसात में ना गाय को हल्की चोट लगने पर मक्खी बैठ, केवल गाय के इस्तेमाल होगी और भी एनिमल, सभी एनिमल के लिए। और इस क्रीम से ऐसा कि आप किसी भी जान किसी भी जीव की जान बचा सकते हो, एक टूब कम से कम 20 गाय की जान बचा देगी, जीवन दान दे देगी, ये आपकी 100 से 150 रुपये की होगी, और एक टूब 20 गाय की जान बचा देगी। गाय को हल्का सा किसी भी जीव को हल्का सा चोट लगेगी ना, तो उसमें मैगट्स कीड़े बहुत जल्दी होते हैं, इस मौसम मैगट्स पड़ जाते हैं। और अगर ये आप इतनी टूब लो, आंगली पे लगा, कपड़े लगा के उससे जख्म पे लगा, ना आपको कुछ बोलेगी और ना कुछ उसको आराम मिल जाएगा, इस तरह मक्खी नहीं बैठेगी। और एंटीबायोटिक ये हैवी एंटीबायोटिक है, ये उसके लिए लोग दूध निकालने के लिए कैल्शियम वगैरह देते हैं, कैल्शियम दूध की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और दूध की मात्रा ज़्यादा होने के बाद उनको मिस्टाइटिस प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि जड़ में थोड़ा में गांठ बनना। हाँ हाँ। और उसका सिर्फ एक इलाज है मौत, या तो वो तो मौत उसकी निश्चित है अगर ये हैवी एंटीबायोटिक ना दिए तो, ये उसके शरीर में जो जख्म बन रहा है ना, जो गांठ बनती है वो गांठ ऐसी होती है, वो बने ही गांठ यहाँ पर, और वो गाय को बिठाती जाएगी, जितनी वो टाइट होगी ना गाय धीरे धीरे नीचे होती जाएगी, घूमना कम और फिर धीरे धीरे बैठ जाएगी। ये हल्की फुल्की चोट लग गई और हम उस पर किसी ना जा सकते कि किसी को भी। हाँ जी हाँ, किसी भी जीव को, किसी भी जान। हाँ, मात्रा के हिसाब से ये किसी भी जीव को दे सकेंगे, जैसे ML के हिसाब से। और इसका एक और भी है, अगर आपको इंजेक्शन लगाना नहीं आता इसको खोल दो पाड़ो और ऊपर डाल के पट्टी कर दो। हाँ जी। और ये तो भी मेडिसिन, इसके अलावा देसी दवाइयाँ इतनी हैं, हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। सही बात है, ठीक है ना जी, आयुर्वेद में सब कुछ है। छोटू रहा इसको यहीं अपने पास ही रखो बच्चा है तो कमरे में।